और कल यहाँ एक तरीके से मायूसी छाई हुई थी, लेकिन आप आज देख सकते हैं वापस यहाँ पर भीड़ आ चुकी है किसानों की। एक धार्मिक झंडा लगाना लाल किले पे किस हद तक सही था आप बताएंगे? ये धर्म की लड़ाई है या किसानों की लड़ाई? मैम धर्म की तो नहीं, वैसे तो ये बीजेपी के लगाने वाले झंडा थे। वो लगा प्रधानमंत्री के आदमी ने, प्रधानमंत्री पीएमओ में वो घुस गया, लाल किले में घुस गया, सन्नी देओल के घर घुस गया, हेमा मालिनी के घर घुस गया। तो वो तुम भैया बताओ, जब अमित शाह के घर घुस गया तो वो आदमी लाल किले में भी घुस गया, उसे सेना क्या करती रही, गोली क्यों नहीं मारी? जांच होगी तब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ना हम। 21 जनवरी को जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है। 26 जनवरी का मामला था ये, किसानों के बदनाम करना और सरदारों के ऊपर हमला करने का सरकार का पूरा प्लान था। अब ये किसान समझ गया है, सरदार पीछे हमारा सीना आगे। हम देश के मुसलमानों पे इन्होंने पहले हमला किया, दलितों पे हमला किया, ये बीजेपी और आरएसएस जो है एक एक करके मार रही है सबको। अब हम सरदारों के ऊपर हमला नहीं होने देंगे। जब किसान मांग कर रहा है कि कमियां नहीं, पूरा कानून वापस लीजिए, आप क्यों जबरदस्ती हमको दे रहे हो? जब हमें दो रोटी खानी है तो हमें तीन क्यों दे रहे हैं? हाँ। हम तो दो खाओगे। हाँ। जिन किसानों का फायदा हाँ। यार जब हमें दो रोटी से पेट भर रहा वाला तो तुम हमें तीन क्यों दे रहे हो, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो हमें? नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजी खबर। और आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, और कल यहाँ एक तरीके से मायूसी छाई हुई थी, लेकिन आप आज देख सकते हैं वापस यहाँ पर भीड़ आ चुकी है किसानों की। आने लगे थे एक तरीके से किसान, लेकिन वापस आ गए हैं अपने, क्योंकि उन्हें अपना आंदोलन हमेशा चाहिए। वो अपनी तीनों मांगों को लेकर अभी तक खड़े हुए हैं और डटे रहेंगे। जिस तरीके से कल राकेश टिकैत जी ने एक भावुक मैसेज दिया किसानों को, और उस वजह से यहाँ पर वापस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है लगातार। अलग अलग राज्यों से, हर जगह से किसान आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह वर्मा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और हम उनसे जानते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर आप बताएंगे कि कल जो कुछ भी हुआ यहाँ पर मंच पर, उसके बारे में एक भावुक मैसेज दिया गया था, उसके बाद किसान लौटने लगे थे एक टाइम बाद, उसके बाद ये लोग वापस आने लगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? जय जवान जय किसान, ये कल से नहीं हो रहा है। जब से संसद में कानून पारित हुआ और राज्यसभा में बगैर मतदान कराए ध्वनिमत से इस कानून को पारित किया गया, राष्ट्रपति महोदय ने रविवार के दिन छुट्टी पर कानून पर हस्ताक्षर किए, ये विवाद उस समय से चल रहा है। जी बिल्कुल, ये तीनों कृषि कानून, श्रमिक एक्ट का कानून, किसान और मजदूर की हत्या करने वाला कानून है, MSP की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी, तीनों कृषि बिल वापस नहीं होंगे, तब तक इस देश के किसान को चैन नहीं मिलने वाला है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, ये सर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसानों का एक तरीके से मनोबल टूट गया था, तो एक तरीके से मतलब वापस आया है, तो किस तरीके से उस चीज को संभाला जाएगा? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है। साजिश के तहत इन लोगों ने ये प्लान कराया है। हम सबकी मांग है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की जजों से जांच कराई जाए, और किसानों पर जो फर्जी मुकदमे अभी तक पूरे देश प्रदेश लिखे गए हैं वो वापस लिए जाएं। 26 जनवरी को किसानों को प्रताड़ित करने के लिए उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे लिखे गए, उनको धमकाया गया, कई जगह पर उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस गोले छोड़े गए, और यूपी के किसानों पर वहाँ के स्थानीय प्रशासन दबाव बनाया। लेकिन सर एक तरीके से जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी को, किसानों के साथ भी बुरा हुआ था। पुलिस की जिम्मेदारी थी, उस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उस चीज को संभालना था। कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा हमारी दिल्ली में, उस पर कोई एक्शन सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता उसकी जिम्मेदारी लेने की, कि किसानों को किस तरीके से संभालना है, या प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी कि उन्हें संभालना चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं संभाल पाए, संभालने में नाकाम रहे। भारत सरकार का प्रशासन पूरी तरह फेल है। ये किसानों को बदनाम करने के लिए सोची साजिश के तहत पहले पंजाब में किसान ट्रेन ट्रैक पर बैठा रहा, 62 दिनों से ठंडक में, बारिश में अपना खेत खलिहान घर परिवार छोड़कर किसान दिल्ली में पड़ा है, और किसानों कोई सुनने वाला नहीं है। वो केवल कह रहे हैं कि आप
इसमें जो है कमियां बता दो उनको दूर कर लेंगे। जब किसान मांग कर रहा है कि कमियां नहीं पूरा कानून वापस लीजिए, आप क्यों जबरदस्ती उनको दे रहे हो कानून? निश्चित तौर पर भारत सरकार फेल है और किसानों के खिलाफ जो साजिश हो रही है साजिश सफल नहीं होगी। किसान पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करेंगे। किसान का जो नुकसान हो रहा हो तो हो ही रहा, सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर का होगा, उपभोक्ता का होगा, छोटे दुकानदार का होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को ये मुकदमा, ये कानून वापस लेने चाहिए और किसानों पर जो मुकदमे लिखे गए उसको आपको वापस लेना चाहिए। ये जो 26 जनवरी का मामला था, ये किसानों के बदनाम करना और सरदारों के ऊपर हमला करने का सरकार का पूरा प्लान था। अब ये किसान समझ गया है, अब ये किसान समझ गया है, सरदार पीछे हमारा सीना आगे। हम देश के मुसलमानों पे इन्होंने पहले हमला किया, दलितों पे हमला किया, ये बीजेपी और आरएसएस जो है एक एक करके मार रही है सबको। अब हम सरदारों के ऊपर हमला नहीं होने देंगे, मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं होने देंगे, दलितों के ऊपर हमला नहीं होने देंगे। एक धार्मिक झंडा वहाँ लगाया गया था, ये तो आपको भी पता है, किसने लगाया वो आखिर? वो लगाया प्रधानमंत्री के आदमी ने, प्रधानमंत्री पीओमओ में वो घुस गया, लाल किले में घुस गया, सन्नी देओल के घर घुस गया, हेमा मालिनी के घर घुस गया। तो वो तुम भैया बताओ, जब अमित शाह के घर घुस गया तो वो आदमी लाल किले में भी घुस गया, उसे सेना क्या करती रही, गोली क्यों नहीं मारी? प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए, प्रशासन पूरा उसे सपोर्ट कर रहा था, अमित शाह जी का आदेश था उसे झंडा लगाने का, वो उसने आदेश का पालन किया। इसमें किसानों को बदनाम करने का किया, सरदारों को बदनाम करने का काम किया। अब ये जो किसान है सारी रणनीति समझ गया है, अब ये देश का एक एक जवान, एक एक किसान और एक एक जितनी 90% जनता है, आरएसएस के अगर दलों को हटा दिया जाए तो पूरी देश की जनता एक छत्र एक झंडे के नीचे खड़ी है। और अब ये लड़ाई, अब लड़ाई है आरएसएस बनाम अदर हो गई है। ये आरएसएस ने रात को यहाँ गुंडे भेजे, तुम्हें वहाँ का तो पता है, रात को यहाँ आरएसएस के गुंडे आए और हमारे 4-5 भाइयों को इन्होंने मारा पीटा, और यहाँ देखा कि कम किसान है, उसके बाद मार पीट के यहाँ से लाइव वीडियो बना के चले गए। अब मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अब ऐसी हरकत मत कर देना, कभी तुम्हें यहाँ से जाने का भी रास्ता ना मिले। तो इसलिए ये आरएसएस इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस वालों को भी तो मारा गया, पुलिस वालों को मारा तो वो प्रधानमंत्री के लोगों ने मारा, आरएसएस के लोगों ने मारा। जैसे सुनो, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी जांच हम खूब मांग करते रहेंगे लेकिन नहीं होगी। पुलवामा की जांच नहीं हुई, पुलवामा में मारे गए उनकी जांच नहीं हुई, लाल किला की जांच नहीं होगी, जो वहाँ तुम्हारे जेएनयू में कांड हुआ उसकी जांच नहीं होगी, उनकी रिपोर्ट भी नहीं होगी, उनका एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनका कोई भी एनआईए जांच नहीं करेगी। क्यों? कि ये प्रधानमंत्री जी के और इशारे पर हो रहा है, पूरा आरएसएस कर रही है। अब ये आरएसएस का फंडा नहीं चलने वाला है, एक भी किसान के किसी के हाथ ना लगा दे आरएसएस, ये बता रहा हूँ। ये किसान आज, अब ये लड़ाई हमें दो जगह लड़नी पड़ेगी, एक तो हमें लड़नी पड़ेगी सरकार से जो आरएसएस को आगे करके और किसान को बदनाम कर रही, सरदार को बदनाम कर रही, मुसलमानों को बदनाम कर रही, और एक लड़ाई सरकार से है जो लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ बैठे अनशन पर बैठेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकार नहीं बदल जाएगी और या फिर ये हमारी तीनों मांगे नहीं मान ली जाएगी। तो दो ही अब तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, कि अब लोकतांत्रिक तरीके से सब भाई यहाँ बैठे मजबूती के साथ। लेकिन अगर हम देखें एक तरीके से, किसान है, किसान अन्नदाता है, हमारा भी मानना है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि वो तो उत्पादन करते हैं, केवल वो उत्पादन करते हैं, अगर वो अन्नदाता है तो हम करदाता है। उनका ये कहना है कि किसानों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, हम अन्नदाता हैं, उसमें तमाम लोग करदाता हैं। धरती में पैसा गिर का अनाज पैदा करो, उससे पैसे से बताओ करो कैसे करेंगे। वही लोग समझ नहीं रहे कि अन्नदाता की एक तरीके से पैसे देते हैं, अगर वो हमें पैसे देते हैं तो धरती में पैसा गिर का देखो, और धरती में पैसे का अनाज बन जाएगा के, या बताओ क्या बन जाएगी, दाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कह रो ना यहाँ करो। बिल्कुल, ये तो किसान ही तो करेगा, मेहनत करेगा, किसान ही तो मेहनत कर रहा है, किसान ही तो पैदा कर रहा है। लेकिन उन्हें लगता है कि किसानों को पैसा दिया जा रहा है, उनकी बिजली मुफ्त की जा रही है, उनको MSP दी जा रही है। यूपी में कोई बिजली मुफ्त नहीं, नंबर एक। नंबर दो, धान बिका 900 में, मकई बिकी 900 में, गन्ना का मूल्य अभी तक घोषित नहीं। दुनिया में ऐसा कोई होगा किसान के अलावा कि जो बगैर मूल्य घोषित किए गन्ना तोला रहा हो? हमारा गन्ना 325 बिकेगा, ये 180 बिकेगा, ये भी घोषित नहीं है। पिछले सालों गन्ना मूल्य बाकी, इस साल का गन्ना मूल्य बाकी,
खाद महंगी, बीज महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, आवारा पशु किसान परेशान, पलाली किसान परेशान, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सरकार को इन कानूनों को वापस लेना होगा। और जो लोग बता रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है और रहेगा। लॉकडाउन के दौरान पूरी भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन कृषि क्षेत्र में हमारे बहादुर किसान साथियों ने कोरोना की परवाह किए बगैर 3.25% GDP की ग्रोथ दी है। आज किसान का गेहूं बिक रहा 15 रुपये किलो और एक उद्योगपति अंबानी गेहूं बिक रहा 48 रुपये किलो। बिल्कुल ठीक है ना। आज किसान का मकई बिक रही 9 रुपये किलो और पॉपकॉर्न क्या सब बिक रहा। अभी जब किसान बीज ले रहा था आलू का, तो आलू का रेट 40 रुपये किलो और आलू का रेट 5 रुपये आ गया। आलू का चिप्स क्या भाव बिक रहा। तो मुनाफा तो उद्योगपति कमा रहे हैं, किसान तो अपने आप बेबस अपनी लाचारी को रो रहा है, लेकिन किसान बहुत ही रोने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर राकेश टिकैत जी ने जो बात कही सही है। ये जो बहुत बड़ा भारत का मीडिया तंत्र है जो इन बातों को नहीं दिखा रहा है, कुछ चैनल के लोग जरूर सही बात दिखा रहे हैं। करीब 500-600 लोग भाजपा के एक विधायक जी के साथ नीचे पर थे और वो किसानों के साथ अभद्रता कर रहे थे। कुछ लोग मंच के आसपास भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी दबाव बना रहा था। लेकिन मैंने पहले कहा, टिकैत जी ने कहा, उनके साथियों ने कहा और अन्य तमाम किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि हम मर जाना मंजूर करेंगे। तमाम किसानों ने कहा कि हम मर जाना मंजूर करेंगे, लेकिन तीनों कानूनों की बिल वापसी लिए बगैर अपने घर नहीं जाएंगे। अब जैसे कि किसान वापस आ चुके हैं, अपनी मांगों को एक तरीके से रख रहे हैं, दोबारा रख रहे हैं, तो क्या लगता है किसान सरकार जो हमारी वो पूरी तरीके से मानेगी, अभी भी वो अमेंडमेंट पे अड़ी रहेगी कि संशोधन कर लीजिए संशोधन कर लीजिए। 12 बैठक हो चुके हैं और भी आगे बैठ के ही होंगी या और कुछ होगा? इनको मानना पड़ेगा, हल निकलेगा या नहीं इनको मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? लोकतंत्र में जनमत के आगे सबको झुकना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो यही किसान को 22 में 24 में मनाएंगे और समझाएंगे, सबक सिखाएंगे। जब किसान सड़क पे उतरा है तो सरकार बदलनी है। देखिए अभी तक तो सरकार अड़ी हुई है ना, सरकार अमेंडमेंट ही बोल रही है ना कि संशोधन कर लीजिए संशोधन कर लीजिए। ये बताइए जब बिल बनाए तो किससे पूछे? ये जब बिल ले बनाए तो किसी से नहीं पूछे, पास कर दिए अंदर अंदर मंत्री की सहमति। संसद में क्यों बहस नहीं हुई? संसद में बहस क्यों नहीं हुई? भी बहस करना चाहिए ना बिल के खिलाफ, कोई बहस ही नहीं हुआ। जब हमें 2 रोटी खानी है तो हमें 3 क्यों दे रहे हैं? हम तो 2 खाओगे। जिन कह रहे हैं किसानों का फायदा, यार जब हमें 2 रोटी का पेट भर रहा हमारा तो तुम हमें 3 क्यों दे रहे हो? जबरदस्ती क्यों दे रहे हो हमें? हम तो नहीं ले रहे। समझा, खत्म जो करो क्यों नहीं करते? अपनी डायरी में लिखा था, एक सूक्ति लिखी थी कि कानून गरीब पर शासन करता है और अमीर कानून पर शासन करते हैं, लेकिन जब जनता एक प्लेटफार्म होती तो न कानून रहता है और न जज रहता है, उस दिन जनता का काम होता है। देखिए कल जो कुछ भी हो रहा है अभी आपको भी दिख रहा है कि किस तरीके से किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी मांगों पे अभी तक अड़े हुए हैं, है ना, लेकिन सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी को क्या हुआ आपको भी पता है, वो किस तरीके से एक तरीके से शर्मनाक हरकत थी या नहीं थी? आप अच्छा ये बताइए, ये बताइए, सच्चाई मीडिया नहीं जान रही है, आप नहीं जान रही हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है? ये बीजेपी के एजेंट द्वारा वहाँ पे लाल किले पे जो बेरहमी से कराया गया ना, वो नाकामी पूरा जनता जान गई है, पूरे भारत जान गया है, 2-4 देश भी जान गया कि बीजेपी की साजिश है, लेकिन आप लोग नहीं जाने अभी तक। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सीधा सीधा ये कहना है सरकार को, बीजेपी को और आरएसएस के लोगों को, वो अपनी लिमिट में रहें। अभी यहाँ से मंच से हमारे नेताओं ने ये बोल दिया है कि जो विधायक और जो आरएसएस के गुंडे कल रात में हम लोगों के साथ बदतमीजी करने आए थे, उनके खिलाफ अगर यहाँ थाने में मुकदमा दायर नहीं किया गया तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे। 4 घंटे का टाइम दिया गया है और सरकार और बीजेपी के लोग अच्छी तरीके से समझ लें, हम संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन में किसी भी तरह से विघ्न ना डालें, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें, हमारी नीयत और मनसा को बदनाम करने की कोशिश ना करें, हमारी नीयत और नीति साफ है। सरकार की नीयत और नीति खराब है, इसी वजह से सरकार जो है प्रशासन की आड़ में आरएसएस के गुंडे भेजकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा आंदोलन कमजोर नहीं होगा। जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान भाई यहां से नहीं जाएंगे और यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाएगा। आप देख लेना कितनी मजबूती से आज लोग आए हैं और शाम तक और लोग आएंगे। पानीपत से आया हूँ मैं, जो वो चीयर का 26 जनवरी को तो की थी उन्होंने। देखिए सर, एक धार्मिक झंडा लगाना लाल किले पे किस हद तक सही था आप बताएंगे? ये धर्म की लड़ाई है या किसानों की लड़ाई? मैम धर्म की तो नहीं, वैसे तो ये बीजेपी के लगाने वाले झंडा थे, लेकिन ये झंडा जब चीन में जाँच होगी तब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, जाँच की मांग कर रहे हैं ना हम।
तो हम ये कह रहे हैं वो तो जो अच्छी हरकत थी उस दिन थी, काफ़ी लोगों ने पता है, मीडिया को भी पता है, लेकिन उसके बाद हम क्या चले गए थोड़े से वापस घर पे, घर का पता लेने क्या देखने कुछ, तो इतनी कितनी अच्छी हरकत कर दी को रात को ये धरना उठाने की प्रोग्राम बना दिया अपने सरकार ने। मैंने हरियाणा में ये देखा पूरी रात, वो तो कह रहे थे ये किसान ये दंगा ही है, इन्हें यहाँ से हटाओ। नहीं मैम, ये तो इनका कहने का ये ऐसे ही करती है सरकार, ये ऐसी अंग्रेजों से भी बुरी सरकार। हमने हरियाणा में पूरी रात यहाँ देखा, सभी युवा नौजवान माताएं मैंने पूरी रात जगी हैं बच्चों समेत, और उनकी आंखों में एक लाल डोरा था, वो लाल डोरा गुस्से का था। रात को ही ट्रैक्टर ट्राली भर के आने शुरू हो गए थे, ऐसा ना हो जाए कभी दोबारा आँख में आंसू दिख जाए, ये तो ऐसा हाल हो जाएगा, ये काबू से बाहर हो जाएगा। युवा नौजवानों ने ये देखा, हमने खुद हरियाणा में पूरी रात जगे हैं, ये यहाँ से दोबारा नहीं दिखना चाहिए। कुछ चंद लोग ही तो थे जिन्होंने दंगा कराया, जो कुछ भी वो करा 26 जनवरी को, लेकिन बाकी किसान तो एक तरीके से मजदूर है, किसान वर्ग का ही है ना, तो उन पे भी एक तरीके से आक्रमण हुए थे, प्रशासन एक तरीके से फेल हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा शांतिपूर्वक बैठे थे बिल्कुल, हम भी वहीं थे सिंघू बॉर्डर पे, रात को दीप सिद्धू रात को आता 11 बजे, हम वहीं थे हाजिर मौके पे और भाषण दे रहे थे। एक मैम बात देखते हैं, वो जो बॉर्डर है ना सिद्धू सिंघू बॉर्डर से, इधर वो धरना लगा रखे और स्टेज लगा रखी है, जिन्होंने ये शरारत की उनको पहले ही रात को 400 ट्रैक्टर लाइन में लगा दिए थे उनके, ये मिली भगत थी। आप वहाँ से किसी से भी पता करवा सकते हो, जो बॉर्डर पे सील है दिल्ली की तरफ उनके स्टेज लगी हुई है पहले से ही, और जब सिंघू बॉर्डर पे सवेरे खोला गया पुलिस साइड में खड़ी होगी, दीप सिद्धू के साथ कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने कि क्यों कर रहे हो ऐसा, साइड में खड़ी होगी और पहले से ही बॉर्डर के अंदर उनकी स्टेज लगा रखी है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर किसानों का कहना है कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था 26 जनवरी को, ये पूरी तरीके से भाजपा ने करवाया है, और उनको ऐसा लगता है कि ये इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जाँच कोई हो नहीं रही है। लेकिन किसानों की मांग है, और वो एक तरीके से अड़े रहेंगे अपने 3 कानूनों को वापस लेने के लिए, और ऐसे ही अड़े रहेंगे।